के लाशे को मिल
कहते हैं ये जिंदा के आ तेरे मुझसे मौत ही आएगी अब मुझको दिलासे देने मेरी हर सांस ही रहती है सितम की इज्जत पर ऐसे जीने से तो मरना जख्म लाखों है कलेजे में दिखाऊं कैसे मुझ पे जो बीत रही है वो बताऊं कैसे प्यास लगती है तो पी लेती आंसू अपने शिवर के दूर शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा लफ्ज मजहर ने जो लिखे लहू रोते हैं शाद माहों से युवस के अजाब रहते ऐसा लगता है कि जिंदा से सदा आती है ऐसा नौहा मेरी गुर्बत पे लिखा है बाबा खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा किसको कहते तुर्बते सकीना पर एक दिया जला देना शाम वालो जिस घड़ी अंधेरा छाए तुर्बते सकीना पर एक दिया जला देना सर मेरे चचा का जब पिया जाए तुर्बते सकीना पर एक दिया जला देना जैसे कैद में हूँ इस तरह कोई ना कैद हो खमसिनी की हाल में नजर कोई सफेद हो ए खुदा मेरी दुआए बरे आए तुर्बते सकीना पर एक दिया जला देना दादी फातिमा है मेरी उसकी शान लाई हूँ अपने मुंह पे मैं तमाचो के निशान लाई हूँ ऐसे दिन किसी को रब न दिखलाए तुर्बते सकीना पर एक दिया जला देना जुल्म सहत सहत यूं कमर खमीदा हो गई करबला से शाम जाके मैं जईफा हो गई कोई मेरी तरह से ना गम उठाए तुर्बते सकीना पर एक दिया जला देना धूप की तपिश खुश्क हो गया मेरा बदन जुल्म सहत सहत जख्मी है सभी मेरा बदन गोद लेके कौन मुझको बहलाए तोर
बन सके ना, पर एक दिया जला देना। रातों को मैं तारे गिन के काटती हूँ अपना दिल, बाबा मेरा करबला के दस्त में है बेकफन। किस तरह सुकून मुझको मिल पाए तुरबत सके ना, पर एक दिया जला देना। बात करते करते जब के बच्ची हो गई खामोश, शोर बरपा हो गया सकीना को ना आया होश। बीबियों को कौन आके समझाए तुरबत सके ना, पर एक दिया जला देना। अब सारे हसी ये लिख रहा है बाबा मेरे बैल, हो कबूल नो इसका फातिमा के दिल का चैन। रोजाए सकीना से सदाए आए तुरबत सके ना, पर एक दिया जला देना। सर मेरे चचा का जब पिया जाए तुरबत सके ना, पर एक दिया जला देना। अंधेरे घर में सके खातून इस कमसीनी के आलम में होगी जिस पर इतने जुल्म हुए हों।
और जिस कमसीनी में जो जुल्म हुए उसमें भी कोई मुमासलत नहीं है। अगर बड़ी उम्र के इंसान को ताजियाना या कोड़ा मारा जाए फिर भी एक बर्दाश्त की उसके अंदर ताकत होती है, एक दो दस बीस, मगर एक बात है, 100-200 कोड़े अगर मजबूत इंसान को भी मारा जाए, 100-200 कोड़े अगर मजबूत मर्द को भी मारा जाए तो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है, बोलने की ताकत नहीं होती। सलाम शहजादी आप पर, करबला से कूफा और कूफा से शाम तक नहीं तारीख ने बताया कि कितने कोड़े लगे, कितने ताजियाने बरसाए गए, कितने तमाचे मारे गए, किस किस गांव पर कितने कितने सितम हुए। अरे उम्र आपकी कम है, सितम ज्यादा है, किस कदर उस खातून का किस कदर जिक्र करें, किन किन मसाइब को दुनिया में उस एक साल में पड़े हुए सितम जो शहजादी सकीना पे हुए, किस किस सितम का तस्करा किया जाए, किस किस जुल्म की बात की जाए, किस किस अलम के ऊपर रोया जाए, और कहां कहां पर शहजादी को किन किन मकामात पर कैसे कैसे रुलाया गया, कैसे उस दास्तान को बयान किया जाए। अरे रोने वाले रोए भी तो कैसे जब सुन ही नहीं सकते, बोलने वाला बोले और बयान भी करे तो कैसे, इसलिए कि कहां से वो कलेजा लाए कि वो बयान कर सके। बड़ी जुल्म सताई है शहजादी, मगर मुख्तसर वो मुख्तसर मसाइब जो सुने जाते हैं वो ये है कि 2 मुहर्रम को वारिद करबला होने के बाद, 4 मुहर्रम से पानी बंद होने के बाद, 7 मुहर्रम से एक कतरा पानी न पीने के बाद, 10 मुहर्रम अपने भाई असगर की याद में आने के बाद भी पीना न पानी, और उसके बाद अभी तो बाबा आएंगे नमाज पढ़ेंगे, पानी नहीं है तयम्मुम करेंगे, उसलिए बच्ची मिट्टी जमा कर रही थी कि तयम्मुम करेंगे बाबा, और अभी बाबा आए नहीं थे कि एक सितम वाला तमाचा जो रुखसार पर रसीद हुआ, बच्ची तो ये समझ भी नहीं कि ये क्या हुआ, किस लिए हुआ, क्यों मारा गया, किस जुर्म में, कौन सा गुनाह किया था। अरे यतीमों के सरों पे तो दस्त शफकत फेरा जाता है, ये नहीं मालूम था कि गालों पे तमाचे मारे जाते हैं। अभी इधर ये अपना दर्द दुख लिए शहजादी कुछ सोच ही रही थी कि जो देखा निगाहों के सामने खैमे जलते हुए नजर आए, असबाब लूटता हुआ नजर आया, चादरें छीनती हुई नजर आई, और अभी कुछ समझे बच्ची कि उससे कबल ही एक भयानक शक्ल वाला इंसान सामने खड़ा हुआ था, अपने गोहर दे दे, अपने बूंदे दे दे, और जब बच्ची न दे सकी तो जोर से झटका देकर ऐसे खींचा गया कि लवे भी फट गए। इस आलम में बच्ची सोचे भी तो क्या, कहे भी तो क्या, वो कहती रह गई मैं सखी इब्ने सफी की बेटी हूं, मांग तो सही तुझे क्या चाहिए, अभी तो तलब दस्त आगे बढ़ा ही था, बच्ची को सोच ही रही थी कि बुंदे उसके हाथों में थे। ऐसी जुल्म रसीदा शहजादी का तस्कर कैसे इंसान कर, क्या बयान करे और क्या सोचे, क्या सुने, सुनने के और बर्दाश्त के लायक भी तो सितम जालिमों ने छोड़े नहीं है। और इसी आलम में असीरी, इसी आलम में गुर्बत, इसी आलम में यतीमी, और ऊंटों के ऊपर रसन बस्ता सवार, और इतना ही नहीं अगर बार बार गिर जाए तो तन्हा एक पुष्ट ऊंट के ऊपर इस तरह जकड़ के बांध दी गई कि जब ऊंट बैठा मंजिल पर तो पता चला लहू लुहान थी ऊंट की पुष्ट, ये उसके छिलने की वजह से नहीं था, शहजादी के सीने के छिलने की वजह से था, खून ऊंट का नहीं, खून शहजादी का बहा था। क्या
अच्छा सितम है। भाई को भाई को बेड़ियों हथकड़ियों जंजीरों में जकड़ा देखे, तपती हुई धूप में उस लोहे को तपता देखे, बहन है तड़प जाती है, भाई की मदद करे तो कैसे करे। अरे वही अपनी कमसीन जिस्म से साया भाई की बेड़ियों पे करती रह गई, क्या करे गम की सताई। और अभी तो ये असीरी का सफर कहां पूरा हो पाया था कि सामने बाजारे कूफा, दरबारे कूफा, जिंदाने कूफा, राहे शाम, बाजारे शाम, दरबारे शाम, जिंदाने शाम। अरे किन किन मंजिलों में संभले सकी ना कि इतने सितम सही। और अब जो जिंदाने शाम जिसकी रिवायत खुद वो पहरा देने वाले सिपाही बयान करते हैं कि इधर हम असीराने सितम को जिंदान में डाल रहे थे और इधर मुंह फेर के रोते जा रहे थे। जब जुल्म ही करना है, अजीब दास्तान है, करबला में यही हुआ, जब माल लूट रहा है रो भी रहा, क्यों रो रहा है, कहा इसलिए रो रहा हुआ कि आपकी मजलूमी है, कोई आपको बचाने वाला नहीं, तो फिर ये छीन के रहा है, कहा मैं नहीं छीन जाऊंगा तो कोई और छीन जाएगा। शाम के जिंदान में असीरों को डाला जा रहा, और जब डाला जाने लगा न बर्दाश्त कर सके वो सिपाही, कह रहे मुंह फेर फेर के रोते जा रहे थे, एक एक असीर को अंदर डालते जा रहे थे। लोगों ने कहा ये क्यों, कहा इसलिए कि ये जो खराबा है ये तो बस कैद खाना कह दिया जाता है, और जब कैद खाना कह दिया जाता है तो हमारी नजरों के अंदर वो एक जेल आ जाती है, जहां एक जेल एक कैदी रहता है, उसको खाने पीने का दिया जाता है, रहने के लिए सही होता है, बर्दाश्त में भीगता नहीं, ठंडी में ठरता नहीं, गर्मी में गर्म नहीं, उसको गर्मी नहीं सताती, कम से कम इतना इंतजाम होता है। जब भी कैद कहा जाता है, जब भी कैद खाना कहा जाता है, जब भी जेल कहा जाता है, हमारे जहनों में अपने मुल्क की दुनिया की वो जेलें और वो कैद खाने आते हैं कि जहां एक कैदी को रखा जाता है। अजीजों शाम का कैद खाना जिसमें हुसैन के अहले हरम को कैद किया गया वो ऐसा नहीं था। ये सिपाही जो डालने वाले वो रो रहे क्यों, इसलिए कि एक मकान था जो गिरा हुआ था और कुछ दीवारें उसकी खड़ी हुई थी, वो भी तकरीबन तकरीबन गिरने की हालत में थी, बिल्कुल रुकू की हालत में, एकदम अब गिरी के तब गिरी, इंसान उसके पास जाते भी नहीं थे, कहीं ऐसा ना हो कि हम जाएं और गिर जाए। आप समझे, जिसके पास इंसान आम हालतों में जाना गवारा नहीं करता कि हम पर गिर जाएगी, हमारी मौत वाके हो जाएगी, उन्हीं दीवानों के बीच में एक साल इन असीरों ने काटे हैं, इसी में उनको डाल दिया गया था। सुबह हुई जब इमाम सज्जाद अली सलातो सलाम ने कहा अजीब तुम लोग हो सिपाही कि एक तरफ तो रोते जा रहे हो, दूसरी तरफ हम पे सितम कर रहे हो, क्यों ऐसा है। कमौले फर्जंदे रसूल जिसमें आपको डाला गया है किसी कैदियों को भी यहां नहीं रखा जाता था, कोई भी काफिला यहां पड़ाव नहीं डालता था, पूरे शाम में मशहूर था ये खंडर, ये उजाड़ बस्ती, ये उजाड़ जगह पूरे शाम में मशहूर थी। कहा तो फिर हमको क्यों रखा गया, कहा इसलिए कि जब आपको इस खंडर में रखें और ये दीवारें आपके ऊपर गिर जाएं और आप मर जाएं तो यजीद को किसी से किसी को जवाब न देना पड़े। कैद खाना नहीं था, एक मौत का सामान था जो यजीद ने कर रखा था। मगर बहरहाल इसमें भी दिन गुजर रहे हैं, इसमें भी शबे गुजर रही हैं, और वो शब आई के जिसमें यही शहजादी सितम की सताई हुई, असीरे जुल्म होकर के कैद खाने शाम में आई थी। यजीद के पास उसका एक गुलाम था, जो कभी बेचैन यजीद होता था तो यजीद को मालिश वालिश करता था, उसको उसका दिल बहलाता था, उसके साथ कुछ ऐसी बातें करता था कि उसको तसल्ली हो जाए, थोड़ा दिल को करार आए। नाम उसका ताहिर था। वो कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि यजीद को बेचैनी हुई और मैंने अपना काम शुरू किया, वो तो मलून सो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ हरकत या कुछ बात, किसी की आवाज महसूस हुई,
मैंने कहा यहाँ कौन है, ये तो यजीद का महल है, यहाँ कोई आ नहीं सकता बिना इजाजत के। कि अचानक मैंने देखा कि यजीद के तख्त के पास जो तश्त था, उस तश्त में जो सरे हुसैन रखा हुआ था, उसके तरफ जो मेरी नजर गई तो मैंने देखा कुछ बोल रहा है, होंठ हिल रहे हैं, और ये आवाज कहीं और से नहीं, यहीं से आ रही थी। ये क्या हो गया? वो कुरान की तिलावत करता जा रहा था और मैं परेशान हुए जा रहा था कि अचानक जो है उससे आवाज आई, तू मुझे क्या देख रहा है? एक काश तेरी नजर मेरे अहले बैत पे दे जाती और उसमें भी मेरी लाडली सकीना पे पड़ती, वो मुझे याद करके किस कदर रो रही है और तुम मलूनो यहाँ आराम कर रहे हो। ताहिर कहता है कि मैं जल्दी से वहां से उठा, यजीद के सर को नीचे रखा, शाम के पीछे जो ये कैद खाना था वहां मैंने नजर की, शोरे गिरिया बुलंद था। मैंने पूछा ये क्या हुआ? लोगों ने कहा एक बच्ची है जिसने अपने बाप को ख्वाब में देखा है और जब से ये ख्वाब देखी है बेचैन है, हर बीवी समझाती है मगर समझ नहीं। तो मैं जो है वो पलट कर वापस आए यजीद के पास, देखा तो वो भी मलून जागा हुआ है और परेशान है। क्यों? इसलिए कि सरे हुसैन को देखता जा रहा है। सरे हुसैन कहता है यजीद मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, किस गुनाह की वजह से तूने मुझे कत्ल किया? अरे मुझे तो किया तो किया, अरे मेरे अहले बैत ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरे सीने पे सोने वाली सकीना इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे जरा जाके शाम के जिंदान में तो देख, मेरी बच्ची मुझे याद कर रही है, तूने मुझे रखा है, या मेरे सर को वहां जाने दे, या मेरी बच्ची को मुझसे मिला ले। बस ये बयान थे। ताहिर कहता है कि यजीद थर्रा रहा था, लर्जा बरंदान था, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, शोर बढ़ता जा रहा था गिरिया और नाला और शेवन का। अब उसके बाद की वो मंजिल है कि सिपाहियों ने आके खबर दी और यजीद ने ये सर भेजा। जैसे इमाम आली मकाम का सर शहजादी के पास पहुंचा है, एक मर्तबा आगोश में लिया और लेने के बाद कहा बाबा अभी तो आप आए थे मेरे पास, अभी तो आप फरमा रहे थे बेटा सकीना तेरे मसायब और मुश्किलात और मुसीबतों के दिन खत्म हुए, आज हम आपको तुम्हें लेने आए हैं। ए बाबा वो लेने की बातें थी, ये कटा हुआ सर है, आपके गले की रगों को किसने काट डाला, आपके सरोतन में किसने जुदाई की? ए बाबा आपकी तड़पती हुई सकीना को कब लेने आएंगे? तारीख ने लिखा बच्ची कभी दाहिने तरफ सर को देती थी, रुखसार पे रुखसार को रखती थी, बैन करती थी, कभी बाएं तरफ करती थी, सर को साफ करती थी, फिर अपना रुखसार रखती थी। आज ये हुआ कि फिर एक मर्तबा सर के होंठ पर अपने होंठों को रख दिया, हिचकियां बंधी और उसके बाद आवाज खामोश हो गई। बीमार करबला आगे बढ़े, बच्ची की नब्ज पे हाथ रखा, कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर ने पूछा ए बेटा सज्जाद क्या हुआ, ये कलमा इस्तेजार क्यों तुम जारी किए हो? आवाज दी ए फूफी अम्मा बाबा को याद करने वाली मेरी बहन सकीना बाबा के सर को पाने के बाद रोते रोते दुनिया से रुखसत हो गई। एक कोहराम बरपा था गुर्बत के आलम में, बच्ची को मौत आई है, चचा नहर किनारे सो रहा है, भाई नैजा खाए सीने पे करबला के मैदान में है, बाबा का लाशा टुकड़े टुकड़े गर्म सारे रेगजार पे पड़ा है, एक भाई है उसके हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, गले में खारदार तो, कमर में लंगर है, बेकसी है, परदेसी है, गुर्बत है, वो भाई करे तो क्या करे, बस एक मसलूमी थी, भाई के हाथों पे बहन की मैयत थी, आवाज दे रहा था ए बहन।
बहन अपने भाई को माफ करना, मदीना होता लोग आते धूमधाम से तेरा जनाजा उठता, हाय मेरी उर्वत कि तुझे दफन भी कर रहा हूँ तो इस खराब शाम इस कैद खाने शाम। आवाज मेरी परिया को सुन ले, इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है अब्बास तुम्हें बाल सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें बाल सकीना की कसम है, आया हूँ तेरे दर पे बड़ी आस मौला, हर टूटे हुए दिल का तू एहसास मौला, तू एक समंदर है मुझे प्यास मौला, जख्मों की दवा सिर्फ तेरे पास मौला, इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है अब्बास तुम्हें बाल सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें बाल सकीना की कसम है, बेदस्त सखी अपनी सखावत तू दिखा दे, मरते हुए लोगों की हयात और बढ़ा दे, तू चाहे तो मिट्टी को भी एक सिर बना दे, बीमार को अब्बा से अलमदार शिफा दे, इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है अब्बास तुझे बाल सकीना की कसम है, अब्बास तुझे बाल सकीना की कसम है, मिलती है तेरे दर से गुनाहगार को इज्जत, बटती है जमाने में तेरे हाथ से दौलत, औलाद सिफारिश का हुनर नुत्क समार, इशार वफा इश्क खुदा तेरी अतार, इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है अब्बास तुम्हें बाल सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें बाल सकीना की कसम है, बेजुर्म आजादार जो है कैद में मौला, जिंदा में बिछाते हैं मगर फर्शी अजागा, मिल जाए उन्हें सैयद सज्जाद का सदका, दे उनको रिहाई की खबर वारिस ज़हरा, इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है अब्बास तुम्हें बाल सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें बाल सकीना की कसम है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।